हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विज़िट करने वाले हैं दयक्षा कुमारथा लग्जरी रिजॉर्ट। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है ये रिजॉर्ट ऋषिकेश में मोहनचट्टी रोड पे कुमारथा में है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि मैं आपको इस रिजॉर्ट के बारे में सारी जानकारी दे सकूँ। ऋषिकेश में आजकल टूरिस्ट का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। पहले सिर्फ कुछ ही लोग ऋषिकेश आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऋषिकेश सबके दिल की धड़कन बन चुका है, क्योंकि ऋषिकेश है ही इतनी सुंदर जगह। ऋषिकेश में आप सुकून के साथ साथ सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ और कैंपिंग करने सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में कैंपिंग करना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए ऋषिकेश में हर कोई कैंपिंग करना चाहता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं लोगों के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, सिक्योरिटी और वॉशरूम का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैंपिंग में, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग कैंपिंग करने अपनी फैमिली के बिना अकेले ही आते हैं। और मैंने भी इसी वजह से आज तक कैंपिंग नहीं की, क्योंकि मैं भी अपने लिए बहुत टाइम से ऐसे कैंप सर्च कर रही थी जहाँ मैं कैंपिंग वाली पूरी फील ले सकूँ और फुल सिक्योरिटी के साथ इंजॉय भी कर सकूँ। मैं जब दयक्षा नीलकंठ रिजॉर्ट में थी तो इन्होंने बताया कि हमारी एक प्रॉपर्टी और भी है दयक्षा कुमारथा, जिसकी 5 रेटिंग है, आप जाके देखो। और जो इनका दयक्षा नीलकंठ रिजॉर्ट है वो भी बहुत सुंदर है और उसकी रेटिंग इन्होंने 4.9 मेंटेन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दे दूँगी। जब इन्होंने हमें बताया कि दयक्षा कुमारथा की 5 रेटिंग है तो हमने सोचा चलो चल के देखते हैं, मुझे भी कैंपिंग करनी है, मैंने भी आज तक कभी कैंपिंग नहीं की। अभी मैं हूँ नीलकंठ वाली रोड पे, ये है गरुड़ चट्टी पुल। इस रास्ते की भी सारी जानकारी मैंने आपको पहले की वीडियो में दे दी है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। गरुड़ चट्टी पुल क्रॉस करते ही आपको यहाँ पर 2 रास्ते मिलेंगे। जो राइट साइड से आ रहा है ये आ रहा है ऋषिकेश बैराज से, हमें जाना है लेफ्ट साइड में जो कि जा रहा है नीलकंठ की ओर। ये रोड जा रही है नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर, हमें कुमारथा के लिए इसी रोड पे जाना है। गरुड़ चट्टी से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिलते हैं। ये ऊपर वाली रोड जा रही है नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर, हमें जाना है नीचे वाली रोड से जो कि जा रही है मोहन चट्टी और कुमारथा की ओर। हमें नीचे वाली रोड से ही जाना है, आइए चलते हैं। हम लगभग 5 किलोमीटर अंदर आए हैं और हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, जो ऊपर वाली रोड है वो जा रही है कुमारथा विलेज की ओर और हमें जाना है दयक्षा कुमारथा, उसके लिए हमें नीचे वाली रोड से जाना होगा। यहाँ से हमें दयक्षा कुमारथा रिजॉर्ट के लिए लगभग 300 मीटर अंदर जाना होगा। यहाँ से आप रिजॉर्ट तक 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं, और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रैकिंग करके भी नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और साथ में आपको फ्रेश एयर भी मिलती है। अगर आपको यहाँ पे गांव की फील लेनी है तो आप यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके कुमारथा गाँव जा सकते हैं। अभी हम हैं अगस्ता पुल पर, यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर पिक्चर्स आती हैं। यहाँ पे ये बहुत सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं हमारे नीचे रिवर भी है। इसमें पानी अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन बारिश के टाइम पे इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम लगभग 2 मिनट में अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, आइए विज़िट करते हैं। जैसे ही हम रिजॉर्ट में एंटर करते हैं हमें सबसे पहले मिलता है पूल एरिया, ये है स्विमिंग पूल। इस पूल में बच्चे भी और बड़े भी दोनों एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रिजॉर्ट पत्थरों से बनाया गया है, जैसे पहले पहाड़ों पर बनाते थे स्टोन हाउसेस, और यहाँ पे जो पत्थर लगाए गए हैं वो नेचुरल स्टोन्स हैं। आइए सबसे पहले रिसेप्शन पे चलते हैं, ये है रिसेप्शन एरिया।
रिसेप्शन एरिया के बाहर ये जो एरिया है यहाँ पे बोनफायर और लाइव म्यूजिक प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे आप पार्टी भी कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं रेस्टोरों में। इनका रेस्टोरों और कैफे एरिया अपर फ्लोर पे है। ये है रेस्टोरों एरिया, यहाँ पे आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन और कॉन्टिनेंटल फूड अवेलेबल है। यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है जिसकी इन्होंने रेटिंग 5.0 मेंटेन की हुई है। यहाँ पे कई तरह के गेम्स भी हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप के साथ खेल सकते हैं। और इस रिज़ोर्ट के पास ही कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से बंजी जंपिंग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पास में ही कई सारे वाटरफॉल हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे पटना वाटरफॉल है, कालीकुंड वाटरफॉल है और यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर भी लगभग 12 किलोमीटर दूर है जहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। आइए अब चलते हैं रूम्स देखने। इनके पास 2 टाइप के रूम्स हैं, डीलक्स रूम और सुपर डीलक्स रूम विद बालकनी। और इनके पास टोटल 8 रूम्स हैं, 4 डीलक्स रूम्स हैं और 4 सुपर डीलक्स रूम्स विद बालकनी। यहाँ पे ये रूम्स के बाहर ही आपको पर्सनल स्पेस मिलता है जहाँ पे आप फुल सिक्योरिटी के साथ अपनी प्राइवेट पार्टी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं डीलक्स रूम्स। सभी रूम्स के बाहर आपको डोरबेल मिलती है और रूम आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। सभी डीलक्स रूम्स में आपको टीवी मिलता है, एक सीटिंग मिलती है और साथ में एक टेबल है और एसी, इलेक्ट्रिक केटल, हीटर और गीज़र, ये सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। और रूम में ही आपको सोफ़ा कम बेड भी मिलता है और ये रूम 6 लोगों के लिए है। सभी रूम्स में वाइड विंडो है जिससे आप रूम में बैठे बैठे बाहर अपने बच्चों पे भी नज़र रख सकते हैं और अगर बाहर पार्टी चल रही है तो आप रूम में बैठे बैठे पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं। इस रूम में आपको अलग से ड्रेसिंग एरिया दिया गया है और आप देख सकते हैं मिरर भी काफ़ी बड़ा है। और ये है वार्डरोब विद हैंगर, यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। और साथ में ही वॉशरूम है, वॉशरूम आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम में भी आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं और यहाँ पे सीलिंग फ़ैन भी है। रूम्स के बाहर एक बालकनी भी है, आइए देखते हैं। सभी डीलक्स रूम्स के बाहर आपको ऐसी बालकनी मिलती है, यहाँ पे आपको 2 सीटिंग मिलती हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बालकनी में बैठ के आप दूसरे की बालकनी को नहीं देख पाएंगे। आइए अब ऊपर के डीलक्स रूम्स भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी रूम्स नीट एंड क्लीन और स्पेशियस हैं और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस रूम में भी आपको टीवी, एक सीटिंग और सोफा कम बेड मिलता है और सभी रूम्स में ब्लाइंड फोल्ड्स हैं। यहाँ का व्यू देखिए आप, यहाँ से आपको माउंटेन्स व्यू मिलता है। इस रूम में भी आपको ड्रेसिंग एरिया अलग से मिलता है और ये है वार्डरोब। वॉशरूम देख सकते हैं आप कितना स्पेशियस और नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम में भी आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। ये है डैमेज आइटम्स चार्ज लिस्ट। अगर आप इस रिज़ोर्ट में कोई भी आइटम डैमेज करते हैं तो आपको उसका चार्ज देना होगा। इस रूम के बाहर भी बैल्कनी मिलती है, यहाँ पे भी 2 सीटिंग हैं, यहाँ पे आप बैठ के फ्रेश एयर ले सकते हैं। आइए अब इनकी नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। ये है इनकी हायर कैटेगरी विच इज़ सुपर डिलक्स रूम विद बैल्कनी। ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस है और आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल बेड मिलता है।
बेड के दोनों साइड ब्यूटीफुल लैंप्स हैं। ये है वार्डरोब। वार्डरोब सभी रूम्स की सेम है। ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। इस रूम में भी आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं और इस रूम में भी सोफ़ा कम बेड है, टीवी यूनिट है। यहाँ पे कुछ बुक्स भी हैं, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप पढ़ सकते हैं। और इस रूम में आपको मिनी फ्रिज भी मिलता है। इस रूम में आपको 7-सीटर सोफ़ा सेट मिलता है विद सेंटर टेबल और साइड में वाइड विंडो है। रूम के अंदर से ही आपको माउंटेन्स व्यू और रिवर व्यू मिलता है। आइए इस रूम की बैल्कनी देखते हैं। ये है इस रूम की बैल्कनी। यहाँ पे भी आपको 2 सीटिंग मिलती हैं। यहाँ पे बैठ के आप फ्रेश एयर ले सकते हैं और आप यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। चारों तरफ ग्रीनरी है और यहाँ से हमें रिवर भी दिख रही है। ये है इस रूम का वॉशरूम, आप देख सकते हैं। वॉशरूम यहाँ पे सारे नीट एंड क्लीन हैं और स्पेशियस भी हैं। वॉशरूम में भी आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। रूम का टैरिफ और बुकिंग नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल शुद्ध देसी ट्रैवलर के थ्रू आते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली वीकडेज़ पे। वीकेंड पे इनकी मर्जी है, ये दे या ना दे, बाकी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और रात को कुछ इस तरह का दिखता है रिजॉर्ट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।